हेलो एवरीवन, प्रॉफिट एंड लॉस के सेशन वन में आपका स्वागत है। आज का जो हम लोग का सेशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक टेस्ट का सेशन है, जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के 10 सवालों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जो लोग पूरे डीआर स्टडी पॉइंट के बारे में या चैलेंजिंग सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके ये कंटेंट पढ़ के पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। देखो, हम लोग का पहला सवाल क्या है। सवाल शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि सवाल को ना पूरा अच्छे से देखना, क्योंकि कोई कोई सवाल को हम लोग दो तरीके से भी सॉल्व करेंगे। कोई कोई सवाल का बेस्ट आपने सॉल्व किया होगा, मुझे मालूम है, मैंने जब सीट प्रोवाइड किया था तो आपने सॉल्व किया होगा, लेकिन उसका सॉल्यूशन का बेस्ट अप्रोच क्या है, ये एक एक सवाल का आप लोग पूरा वीडियो देखना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। पहला सवाल हम लोगों का क्या है। ए शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 15% बाई सेलिंग अ वीडियो कैमरा, ठीक है। एक वीडियो कैमरा को सेल करने पे उसे 15% का प्रॉफिट होता है, 4 रुपीज़ 6,440, ठीक है। कितने रुपए में बेच देता है वो, 6,440, यानी कि ये हमारा क्या निकल गया, एसपी निकल गया, ठीक है। फिर बोल रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेज बाई 30%, सीपी को 30% से बढ़ा दिया जाता है, एंड सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाई 20%, सेलिंग प्राइस को 20% से बढ़ा दिया जाता है, द न्यू प्रॉफिट ऑफ द शॉपकीपर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओल्ड प्रॉफिट मेड। नया प्रॉफिट जो है शॉपकीपर का वो कितना परसेंट है पुराना प्रॉफिट जो बनाया था उसका, ठीक है। तो अब देखो सवाल में लिटरली हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ एसपी मालूम है, परसेंटेज प्रॉफिट मालूम है, हम लोग पहले सीपी निकाल देंगे, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक चीज समझो हमारा, जब परसेंटेज से हमको परसेंटेज या रेशियो से हमको परसेंटेज निकालना रहे तो उस केस में 99% केसेस में हमें ओरिजिनल डाटा की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे ये हमारा ओरिजिनल डाटा है ना, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि पहले अगर हम लोग सीपी मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है, और उसे 15% के प्रॉफिट पे बेचा, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा, 115 रुपया हो गया, ठीक है। तो 15% का जब प्रॉफिट पे बेच दिया, यानी कि क्या हो जाएगा, 15% इंक्रीज करके, जो कि हमें 115 देगा, ठीक है। और अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो साफ साफ दिख रहा है 100 से 115 का प्रॉफिट क्या है हमारा, 15 रुपया, 15 यूनिट का। अब रुपए में ही बोल दो, जहाँ मान लो मैंने 100 रुपया एज्यूम कर लिया था तो 15 रुपए हमारे क्या हो गए, प्रॉफिट हो गए। फिर दूसरा कंडीशन क्या दिया, सीपी को 30% से बढ़ा दे रहे हैं, तो सीपी को 30% से बढ़ा देना है, 30% से जब बढ़ाएंगे सीपी को तो ये हमें क्या देगा, 130, ठीक है। फिर हमें क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस को 20% से बढ़ा देते हैं, तो सेलिंग प्राइस को 20% से जब बढ़ाएंगे, अब देखो यहाँ पे भी ना दो चीज़ें होती हैं। एक तो नॉर्मली लोग क्या कर देते हैं, 115 का 120/100 और बहुत सारा कैलकुलेशन लेके बैठ जाते हैं, ठीक है। सीधा सीधी समझो, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, यानी कि 115 को हम लोग को क्या करना है, 1/5 से बढ़ा देना है। तो 1/5 जब यहाँ पे करेंगे तो साफ शब्दों में दिख गया 23 बार में कट जाएगा, यानी 115 में 23 ऐड कर देना है, क्या देगा हमें, 138, यानी 20% इंक्रीज होकर ये कितना रुपया हो जाएगा, 138 रुपीज़। साफ साफ यहाँ से दिख गया कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 8 का प्रॉफिट हो रहा है। सवाल में हमसे पूछा था द न्यू प्रॉफिट ऑफ द शॉपकीपर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओल्ड प्रॉफिट मेड, पुराने प्रॉफिट का कितना परसेंटेज है। तो न्यू प्रॉफिट हमारा कितना है, 8 है, पुराना प्रॉफिट हमारा कितना है, 15, और इसी का कितना परसेंटेज है ये निकालना है हमें। अब यहाँ से देखो, 5 से 3 बार में, 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 160/3%। या तो आप इसे साफ साफ भाग दे दो, नहीं तो ये मुझे, अगर मैं एग्जाम बेसिस से बोलूँ तो ये मुझे साफ साफ दिख गया ये 53.33% हुआ। कैसे, 160 को हम लोग स्प्लिट करेंगे तो 150+10 में देगा, इसको भी 3 से काटना है, इसको भी 3 से, यहाँ से तो ये साफ साफ हमें कितना दे दिया, 50 दे दिया। और 10/3 का मतलब क्या है, 3 होल 1/3, जिसको हम लोग 3.33% भी बोलते हैं, ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद ये क्या देगा, 53 होल 1/3, यानी इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, 53 होल 1/3 बोलो या 53.33% बोलो, और यही हमारा आंसर है, आंसर नंबर क्या, सी, यही हमारा आंसर है सवाल का कि 53.33%, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में जाने से पहले देखो, अब नॉर्मली हम बताते हैं कि कुछ लोगों ने इसे ये भी किया होगा कि यहाँ पे 6400 दिए हुए, सबसे पहले उन लोगों ने निकाला होगा सीपी इस तरीके से, 100/115, और इसे आप जब काटने के लिए बैठे होगे ना तो ये कट भी नहीं रहा होगा, और बहुत सारा कैलकुलेशन लेके आप बैठ गए होंगे, या फिर कैलकुलेशन करके आपने आंसर लाया होगा। तो चीज़ों को ध्यान से समझो कि एक रास्ता हमारा मिला हुआ था कि ये 6400 है, ठीक है। परसेंटेज से जाना है, परसेंटेज पर ध्यान ये भी रखना कि कभी कभी क्या होगा ना कि परसेंटेज से
परसेंटेज बजाना तो होगा, लेकिन ये था हमारा रास्ता, ठीक है, ये थी हमारी सीढ़ी। अगर ये नहीं दी हुई रहेगी तब फिर वहाँ पे वो दिक्कत होगा, मतलब कि कोई दूसरे सवाल में, इस सवाल में तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, कोई दूसरे सवाल में, ये नहीं कि मैंने बताया परसेंटेज से परसेंटेज दिए हुए है और परसेंटेज से परसेंटेज ही निकालना है तो हर सवाल बन जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी सवाल होंगे जो नहीं बनेंगे, लेकिन वहाँ पर एक रास्ता खोज के हमको जाना है। यहाँ पर रास्ता हमारा कौन दिखा रहा था, 6400, कि हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। अगर उसको नहीं सॉल्व कर सकते तो उसका आंसर क्या होता, कांट बी डिटरमाइंड, ये ध्यान में रखना। अगर कांट बी डिटरमाइंड होगा तब फिर वहां पे हम लोग को वो सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि सवाल में वो रास्ता हमारा है कि नहीं है। चलो नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, ए शॉपकीपर बाइज 20 dozens एप्पल, ठीक है, एप्पल वो खरीदता है 20 dozens एट 180, एप्पल का क्या प्राइस दिए हुए है, 180 पर डजन, 180 रुपये पर डजन, एक दर्जन का दाम दिए हुए, ठीक है। फिर मैंगो का बात करते हैं, मैंगो कितना दर्जन खरीदा है, वो 16 दर्जन खरीदे हैं और उसकी कॉस्ट प्राइस एट रुपीज कितना बोल रहा है, 250। जितनी भी डाटा दी हुई है उतना करना है। पहले सवाल को हम लोग देख लेते हैं, सवाल में पूछा क्या, फिर हम लोग अप्रोच ढूंढेंगे। द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 dozen मैंगो इज 1.5 times द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 dozen एप्पल, ठीक है। एसपी ऑफ 1 dozen अगर हम लोग एप्पल को एक्स बोल देते हैं तो उसी तरीके से एसपी ऑफ 1 dozen मैंगो का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1.5x हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, फिर आगे बोल रहा है व्हाट इज हिज टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है उसे, इफ द प्रॉफिट मार्जिन ऑन अ डजन ऑफ मैंगो इज 62%, एक दर्जन मैंगो पे जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है, 62% है, ठीक है। तो एक दर्जन पे तो हमें मालूम है यहाँ पे 62% है, एक दर्जन का सेलिंग प्राइस भी हमें मालूम है एक्स के रिस्पेक्ट में, और एक दर्जन का हमें दाम भी मालूम है, तो यहाँ से हम 1.5x का वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 1.5x का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। 1.5x बराबर में क्या हो जाएगा, 250, 62% प्रॉफिट, यानी क्या 162 बाई में क्या 100, ठीक है। इसी को जब सॉल्व करेंगे 25 से ये 10 बार में, 25 से ये 4 बार में, 4 से ये कट जाएगा 2 बार में, और यहाँ पे कितना 81 का हाफ करेंगे यानी कितने देगा हमारा 40.5, और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होगा 405, यानी कि 1.5x की जो वैल्यू है वो निकल गई हमारी 4.5, यानी एसपी ऑफ 1 dozen मैंगो जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक दर्जन मैंगो का जो एसपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 405 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 405 बटे में कितना, 1.5, ठीक है। तो 1.5 जब करेंगे हम लोग तो ये हमारा सॉल्व होके हमारा यहाँ से देगा 270, यानी कि एक दर्जन एप्पल का भी हमें निकल गया एसपी, वो कितना निकल गया, 270, ठीक है। अब ध्यान से समझो सवाल में पूछा क्या है, इफ़ द प्रॉफिट मार्जिन दिए हुए हैं, हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना था, हमें ये निकालना है। अब देखो सवाल में टोटल प्रॉफिट निकालना ना कोई अब ज़्यादा मुश्किल काम नहीं रह गया, ठीक है। क्यों मुश्किल काम नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ से तुम सीपी निकाल सकते हो 20 × 18 करके, मैंगो का निकाल सकते हो 16 × 250, टोटल सीपी निकल जाएगा। वही क्वांटिटी से हम टोटल एसपी भी निकाल सकते हैं, एसपी का भी प्राइस हमको मालूम है एक दर्जन का। तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव, यहाँ चलो तुम कर लोगे 180 × 20, 250 × 16, ठीक है, और फिर जब यहाँ तुम कर लोगे 270 × एप्पल में करोगे तो 20 भी कर लोगे, 405 × 16 करने में प्रॉब्लम आएंगी तुम्हें, ठीक है। तो इन चीज़ों को करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें निकालना टोटल प्रॉफिट, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट बराबर में हमारा क्या होगा, प्रॉफिट बटे में क्या, सीपी इनटू में क्या 100, ठीक है। सीपी जब हो रहा है तो यहां पे तो हम लोग प्रॉफिट रुपीस में ही चाहिए, ये भी रुपीस में ही चाहिए, मतलब क्वांटिटी को अगर उसके रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग ले लें तो वहां पे हमें समस्या नहीं आएंगी, ठीक है। तो हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी का रेशियो ले रहे हैं, एप्पल और मैंगो का हम लोग क्या ले लेंगे, रेशियो। एप्पल और मैंगो का जब रेशियो ले लेंगे तो 20:16 कितना, 16 है हमारा, यही हमें क्या देगा, 5, और यहां पे रेशियो कितना दे देगा, 4 दे देगा, ठीक है। अब हम लोग बोल दिए एप्पल हमारा 5 यूनिट है, मैंगो हमारा कितना है, 4 यूनिट है, ठीक है। जब एप्पल 5 यूनिट, मैंगो 4 यूनिट है, अब इसी बेसिस पे सॉल्व कर देंगे। टोटल सीपी का अगर बात करेंगे तो एप्पल एक दर्जन एप्पल का कितना है, 180 × 5 प्लस में 250 × 4, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व होने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 180 × 5 जब करेंगे तो ये हमें देगा कितना, 900, और फिर 250 × 4 करेंगे तो ये हमें देगा 1000, ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा हमारा, 1900, ठीक है। फिर अगर यहाँ से हम लोग एसपी निकालते हैं तो एसपी निकालेंगे तो एसपी क्या हो जाएगा हमारा, साफ साफ देखो यहाँ पे एक दर्जन एप्पल का हमारा जो दाम है वो कितना दे रखा है हमें, 270, ठीक है,
और 270 को हम लोग क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी एप्पल की कितनी है, 5 यूनिट। तो 270 गुने में क्या कर दिया मैंने, 5, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा मैंगो का कितना है, 405, 405 गुने में क्या कर दिया मैंने, 4, ठीक है। 270 गुना जब 5 करोगे तो ये हमें देगा 1350, ठीक है। और यहाँ से 405 गुने में जब 4 करोगे तो ये हमें देगा 1620, और ऐड करने के बाद फाइनली हमें मिल जाएगा 2970, ठीक है। कितना मिल गया, 2970। अब साफ साफ इसमें से हम लोग को प्रॉफिट निकालना है, साफ साफ यहाँ से दिख रहा होगा तुम्हें, प्रॉफिट जो हो रही है 1900 में 2970 को जब घटा देंगे तो ये देगा 1070 का प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट निकाल दो, परसेंटेज प्रॉफिट कैसे होगी, 1070 बटे में कितना 1900 और गुने में कितना 100, ठीक है। यहाँ से 2020 काट दो, 1070 को अब हमें 19 से काटना है। ये काटने के बाद हमें देगा 56.31%, और यही हमारा आंसर है 56.31%, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या है, देखो, रोहन मार्कअप हिज साइकिल ऑफ कॉस्ट प्राइस रुपीज 800। रोहन को अपना साइकिल का जो मार्कअप करता है जिसकी कॉस्ट प्राइस 800 है बाय एक्स प्लस 3%। एक्स प्लस 3% से क्या करता है, उसे मार्कअप कर देता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे मार्कअप कर दिया, 800 रुपये थे। एक्स प्लस 3 का मतलब क्या हो गया, 100 प्लस में क्या, एक्स प्लस में 3% और बटे में कितना 100, ठीक है। फिर बोल रहा है एंड सेल्स इट ऑन अ डिस्काउंट ऑफ एक्स माइनस 4%, ठीक है। और उसे सेल करता है कितना के डिस्काउंट पे, 100 माइनस एक्स माइनस 4% के डिस्काउंट पे उसे क्या करता है, सेल कर देता है, ठीक है। जब सेल कर दिया यहाँ से, तो अब क्या बोल रहा है आगे सवाल में, इफ इन द होल प्रोसेस ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹20, पूरे प्रोसेस में वो क्या करता है, ₹20 का प्रॉफिट बनाता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। कितना, किस चीज़ का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू। अब देखो पूरे ट्रांजेक्शन में वो क्या कर रहा है, ₹20 का प्रॉफिट बना रहा है। जब सी पी उसका 800 है, ₹20 का प्रॉफिट बना रहा है, यानी एस पी क्या हो जाएगा, 820 हो जाएगा। ₹800 का हमारा मटेरियल था जिसको हम इंक्रीज किए एक्स प्लस 3 से, और उस पर एक्स माइनस 4 का डिक्रीज किए, मतलब डिस्काउंट दिए, और इस तरीके से एस पी कितना हो गया, 820। अब इसी को मुझे सॉल्व करना है, देखो इसे कितनी आसानी से मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। यहाँ 0 0, यहाँ 2 0 खत्म हो गया हमारा, बाकी नीचे और ऊपर यहाँ 8 और ये 100 को उधर ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ जब तुम सॉल्व करोगे 100 प्लस 3 क्या देगा तुम्हें, 103 प्लस में क्या हमारा x, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रैकेट रख लो। अब यहाँ पे तुम जब सॉल्व करोगे 100 माइनस में x है, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, यानी कि ये यहाँ पे क्या देगा, 104 लेकिन माइनस में x, बराबर में 820 गुने में 100 और बटे में कितना 8, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, इधर वाला टर्म सॉल्व कर लो। साफ साफ देखो यहाँ से 4 से कटेगा ये 2 बार में, 4 से काट दो इसे 2 0 और 5 बार में, मैं यहीं पे 2 से इसे काट देता हूँ, ये तुम्हें देगा 102 पॉइंट में कितना 5। जब गुना करोगे 100 से तो ये तुम्हें क्या दे देगा, 10250, यानी कि इधर सॉल्व करने के बाद तुम्हारा ये निकल गया। अब ध्यान से समझो कि तुम्हारा एक इक्वेशन जो आया है 103 प्लस में x, और यहाँ पे क्या आया है 104 माइनस में x बराबर में 10250। जब तुम इसे सॉल्व, इसे मुझे ना यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए हमें एक बार यहाँ पे इसे सॉल्व करना होगा, जो कि एकदम नॉमिनल कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे जब तुम इसे सॉल्व करोगे, नो डाउट ये बहुत सारा कैलकुलेटिव जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएगा, तो चीज़ों को समझो कि यहाँ पे हमें इतना कैलकुलेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब जरूरत नहीं है तो करना क्या है, हमें यहाँ पे करना ये है कि यहाँ पे हम लोग ऑप्शन से चलेंगे। कैसे ऑप्शन से चलेंगे, हम यहाँ पे एक्स का जो है वो वैल्यू ढूंढेंगे जिसको ऐड करने, डेफिनेटली यहाँ पे 0 है, ऐड करने के बाद या तो वो 0 में बदल जाए या फिर वो 5 दे दे, ठीक है। तो 5 और 0 में बदलने का सबसे पहले यहीं से शुरुआत करो, एक ही हमारा है 22 या फिर हमारा 37, या तो x हम 22 रखेंगे या 37, क्योंकि 35 रखेंगे तो 38 हो जाएगा, यहाँ 4 में भी 5 अगर जाएगा तो हमारा 9 बचेगा, तो 8 गुना 9 करेंगे यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 0 है, हमें 0 लाना है। तो चीज़ों को समझना यहाँ पे कि जब हम लोग 22 यहाँ पे रखेंगे तो ये 3 2 5 यूनिट डिजिट हो जाएगा, 104 में जब 22 यूनिट डिजिट घटेगा तो यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा, 5 × 2 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे तुम 37 बोलो, 37 भी रख के दे सकते हैं, तो 37 रखोगे बिल्कुल रख सकते हैं, यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो इनिशियल में ही 0 हो गया तो 0 आना ही है। मतलब यही दो ऑप्शन को सबसे पहले चेक करना है, उसके बाद फिर हम लोग दूसरे जगह जाएंगे, ठीक है। तो सबसे छोटे नंबर से ही शुरुआत करते हैं, तो सबसे छोटा नंबर जो हमारा है वो कितना है हमारा 22, ठीक है।
तो 22 से जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो 103 में जब 22 जोड़ेंगे तो वो कितना देगा, 125 देगा। 104 में जब हमारा 22 चला जाएगा तो 104 में हमारा 22 जाने का मतलब क्या है, 82। ठीक है, जब आप इसे 125 को 82 से गुना करोगे तो ये हमें देगा 1250, ठीक है, यानी कि ये जो है हमारा इससे सेटिस्फाई कर गया, यानी साफ साफ क्लियर हो गया x की वैल्यू कितनी आ गई, 22%। यानी कि इस सवाल को हम लोग को बनाना कैसे था, बाई ऑप्शन, जहां चीजें आसानी से बन जाए, यही दो ऑप्शन ना चेक करना, एल्स आप देखो कितना सारा कैलकुलेशन करोगे, एक बार इसको मल्टीप्लाई करोगे, एक बार फिर क्वाड्रेटिक ले जाओगे, फिर उसका फैक्टर निकालोगे, बहुत सारा कैलकुलेशन है। जिनको नहीं आता 103 और 104 को मल्टीप्लाई करने हो तो बेचारे पूरे एकदम ऐसे ही 103 104 मल्टीप्लाई करेंगे, जिनको आ रहा है वो इजीली कर सकते हैं क्योंकि इसकी भी एक कॉन्सेप्ट होती है वैदिक मैथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन जिनको नहीं आ रहा है वो तो यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे ही। तो चीज़ों को ध्यान से समझो कि इन सब सवालों को हम लोगों को ऑप्शन से ही पकड़ के बनाना, ऑप्शन ढूंढते भी कैसे हैं कि जब यहाँ पे यूनिट डिजिट में जीरो है तो वैसा ही ढूंढो जो यूनिट डिजिट में तुम्हें क्या दे, जीरो दे बना के। और इसी के साथ हमारा डायरेक्ट हमारा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा 22%, और 125 गुना 82 को मल्टीप्लाई करना भी डिफिकल्ट नहीं है, स्प्लिट करके मल्टीप्लाई किया करो, 25 है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां पे गुने कर दो 82, ठीक है, 82 इंटू 5 करोगे तो ये हमें 410 देगा, 25 गुना करना है, अब साफ साफ आसान हो गया तुम्हारा, 25 गुने में क्या 41 गुने में क्या 10, अब यहाँ 25 गुने 41 करना नॉमिनल है, आसानी से कर सकते हो, नहीं तो फिर इसको स्प्लिट कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, सीधा सीधी 5 से मल्टीप्लाई करने का तो नियम मालूम है कि किसी भी संख्या को आधा करके क्या करना होता है, जीरो बैठा देना होता है, जैसे 82 में 5 से मल्टीप्लाई किया, इसका आधा किया 41 और जीरो बैठा दिया, और यही हमारा क्या हो गया आंसर, 410। ठीक है, तो चीज़ों को ध्यान से समझो, आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो, आराम से इसे बनाना है और नेक्स्ट सेशन का भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में अगर इस टाइप का सवाल आता है प्रॉफिट एंड लॉस में तो उस चीजों को भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या है, ए ट्रेडर ए एंड बी बायज गुड फॉर रुपीज 100,000 एंड 2,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए ट्रेडर जो है 1,000 और 2,000 में गुड्स ए और बी को खरीदता है। ट्रेडर ए मार्क हिज गुड्स अप बाय x% से मार्क करता है, वाइल द ट्रेडर बी मार्क्स हिज गुड्स अप बाय 2x% से क्या करता है, अप करता है, एंड ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ x%। लेकिन ट्रेडर बी जो है 2x% से मार्क भी करता है और x% का क्या करता है, डिस्काउंट भी करता है। इफ बोथ मेक सेम नॉन जीरो प्रॉफिट, ठीक है, फाइंड x, दोनों ही नॉन जीरो प्रॉफिट, मतलब कोई जीरो के बराबर प्रॉफिट नहीं कमाते, कुछ प्रॉफिट कमाते हैं लेकिन सेम प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, देन फाइंड x, x की वैल्यू तुम्हें बतानी है। ठीक है, चीजों को ध्यान से समझना कि तुम जब यहाँ पे लिखते हो, जैसे मान लो तुम्हें सेलिंग प्राइस लिखना है एम पी और डिस्काउंट के टर्म में, तुम क्या लिखते हो, एम पी इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई में कितना 100। ठीक है, चीज़ों को ध्यान से समझना, यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट अगर मान लो तुम्हारा 25% है, तुम यहाँ पे 20 के जगह पे 25% बैठा देते हो। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे 100 माइनस बटे में 100 माइनस में डी बटे में 100। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अगर फ्रैक्शन जाएंगे तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, यानी कि 100 नीचे डिवाइड दे दिया तो उसका मतलब क्या, फ्रैक्शन में लिख रहे हो, डी परसेंट को अगर एक्स के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हो तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, डी परसेंट का अगर फ्रैक्शन हम लोगों का एक्स है तो तुम यहाँ पे क्या लिख दोगे, एक्स लिख दोगे, यानी 1 माइनस में क्या एक्स, एम पी इंटू 1 माइनस में एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, एस पी। ठीक है, हम लोग भी सेम चीज यहाँ पे फॉलो करेंगे, थोड़ी देर के लिए एक्स परसेंट को परसेंटेज ना बोल के हम लोग एक्स को क्या बोल दे रहे हैं, फ्रैक्शन। ये एक्स क्या है, हमारा फ्रैक्शन है। ठीक है, एक्स जब फ्रैक्शन है तो हमारा ए का प्रॉफिट क्या होगा, सबसे पहले ये निकालो, देखो ए का प्रॉफिट हम लोग डायरेक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, इस सवाल को हम लोग दो तरीके से बनाएंगे, पहले ध्यान से समझना, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, दो तरीके से हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फ्रैक्शन पे बात कर रहे हैं, तो ए जो है अपना प्राइस को एक्स परसेंट से बढ़ा दे रहा है। ठीक है, लास्टली हम लोग को क्या करना है, दोनों का प्रॉफिट बराबर है, ए को बी के बराबर कर देना है, यानी कि हम लोग इसका रेशियो लेके भी चल सकते हैं, ए अगर 1,000 में खरीदा है, बी 2,000 में खरीदा है। ठीक है, ए कितना में खरीदा है, 1,000 में, बी ने उसे खरीदा 2,000 में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इसका रेशियो ले लेते हैं, ए को बोल देते हैं 1 रुपया, बी को बोल देते हैं 2 रुपया। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा, 1 रुपया था हमारे पास, उसने क्या किया, इंक्रीज किया है एक्स परसेंट से, यानी हम लोग x को फ्रैक्शन के रूप में जब लेके चलेंगे तो इंक्रीज करने का मतलब क्या, 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है,
फिर क्या हो रहा है, ये यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है, यानी कि यही उसका क्या हो जाएगा प्राइस जिस पे वो क्या करेगा बेचेगा, और खरीदा था 1 रुपए में, यानी कि उसकी जो प्रॉफिट होगी इसमें घटा दो, वो हमारी क्या निकल जाएगी, इसकी प्रॉफिट निकल जाएगी, ठीक है, ए का प्रॉफिट हमारा निकल गया। उसी तरीके से बी का प्रॉफिट निकाल लो, बी का प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 2 रुपया था उसके पास, 2 रुपये कीमत में उसने खरीदी थी, 1+2x पे उसको क्या कर रहा है बेच रहा है, 2x% को भी हम लोग फ्रैक्शन में लेके चलेंगे, 2x क्या है 1+2x में उसे बेच रहा है, ठीक है। अब फिर क्या कर रहा है, उस पर एक्स परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, तो अब कमी करेगा तो 1-x हो जाएगा, और इस तरीके से उसकी जो प्रॉफिट होगी, इतना में तो उसने बेचा, प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है हमें, 2 से घटा देना, यानी ये भी इसका क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब जस्ट इसी को सॉल्व करना है, यहाँ से देखो ये 1 वाला टर्म यहाँ से खत्म हो जाएगा, यानी कि इसका जो सॉल्व होके आएगा वो आएगा एक्स, इसकी प्रॉफिट जो है इसके प्रॉफिट के क्या है बराबर है, ठीक है। तो इसी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स बराबर में 2 × 1+2x है, 1−x है, −2 है, ठीक है। अगर 2 को हम लोग नीचे ले आए तो ये क्या देगा हमें, x/2 बराबर में, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा, 1+ में क्या 2x, फिर यहाँ पे 1- में क्या x, और माइनस में क्या 1, ठीक है। अब चीज़ों को ना हम लोग यहाँ से ना ऑप्शन से चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन जो हम लोग पकड़ेंगे वो पकड़ेंगे सारे को फ्रैक्शन में लेके चलेंगे, 25% नहीं बैठाना x का मान, x को मैंने क्या बोला फ्रैक्शन में, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, 12.5% का कितना होता है 1/8, 37.5% का कितना होता है 3/8, और 40% का जो होता है वो होता है 2/5, इन सबको बैठा के देखना है। सबसे पहले 25% से शुरुआत करते हैं, 25% से जब शुरुआत करेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखो क्या होता है, 25% जब इधर की ओर बैठाएंगे तो 1/4 × 1/2 हमें क्या देगा 1/8 देगा। अब इधर भी हमारा बैठाने के बाद 1/8 आ गया, यानी कि 25% हमारा क्या हो जाएगा सेटिस्फाई कर जाएगा, बस बैठा दो यहाँ पे 1+2 × 1/4, ठीक है, इंटू में 1−1/4, ठीक है, और माइनस क्या कर देना है 1, 2 से काट दिया इसे 2 बार में, 1+1/2 हमें क्या देगा 3/2 देगा, 4-1 क्या देगा हमें 3/2 देगा, और माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3/4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे साफ साफ तुम देख रहे हो कि यहाँ पे तुम्हें क्या दे रहा है 9/8 − 1, जिसे घटाने के बाद 1/8 आ रहा है, ये इधर का 1/8 इधर का 1/8 दोनों ही बराबर है, यानी कि ये हमारा सेटिस्फाई हो गया, और यही हमारा क्या है 25% आंसर है, एल्स तुम इसे क्वाड्रेटिक लेके जाओगे, क्वाड्रेटिक लेके जाना भी कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, आसानी से चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। चलो इसे क्वाड्रेटिक लेके भी चलते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना कि क्वाड्रेटिक लेके हम लोग किस तरीके से चल रहे हैं। हम लोग का इक्वेशन क्या था कि ए को जो हम लोग का था 1 रुपये हम लोगों ने माना था, ए और बी का कितना माना था हम लोगों ने 1:2 में कितना 2, ठीक है, 1 रुपये पे 1+x और माइनस में 1 कर दिया, तो ये यहाँ पे हमें सॉल्व होकर क्या मिला था x, ठीक है। बी का कंडीशन क्या है, बी ने 2 रुपये में खरीदा था और वहाँ पे वो क्या कर रहा है 1+2x से इंक्रीज कर दे रहा है, 1-x से वो डिस्काउंट दे दे रहा है, और इस तरीके से उसकी जो प्रॉफिट है −2 कर दिया, तो ये उसकी प्रॉफिट निकल गई, ए की प्रॉफिट बी की प्रॉफिट के क्या है बराबर है, बराबर कर दो जस्ट इसे, एक्स बराबर में 2 × अब इसे जब तुम तोड़ोगे, यहाँ से तोड़ना है इसे, तो तुम जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हें देगा 1−x, फिर यहाँ पे +2x और फिर माइनस में कितना 2x², ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा ब्रैकेट के अंदर ही, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा हुआ था −2 लिखा हुआ था, ठीक है, इतना चीज़ें हमारी निकल गई। अब क्या करो, यहाँ का 2 और यहाँ का 2 दोनों जगह का 2 कॉमन लेके इधर नीचे ले आओ, x/2, ठीक है, बराबर में यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है 1−x, अब घटा दो यहाँ पे 2x है, 2x में x चला जाएगा, यानी प्लस में x हो जाएगा हमारा, −2x², और यहाँ पे 2 जो कॉमन लिया, यानी कि यहाँ पे क्या बचा 1, 1 का कहानी यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है। अब x को इधर ले जाके घटा दो, x−2 में x चला जाएगा, क्या बचेगा −2x² इधर, यानी कि −2x² इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा −x/2 कितना 2, ये x इज x को काट देगा, x की −- भी हमारा यहाँ से खत्म हो गया, x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 1/4 क्या आ गई 4। मैंने स्टार्टिंग में बोला था मैंने x को कैसे लिया था, फ्रैक्शन के रूप में लिया था, ठीक है, x को देखो मैंने किस में लिया था, फ्रैक्शन के रूप में लिया था, यहाँ पे भी क्या आई फ्रैक्शन, 1/4 का मतलब तुम्हें मालूम है कितनी होती है 25%, और यही हमारा आंसर है 25%। इसको हम दोनों ही तरीके से बना सकते हैं, बस अंतर यही है कि अगर तुम इसे 100+x/100 लेके बनाओगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, मैंने डायरेक्ट इसे फ्रैक्शन पे लेके चल दिया, आसानी से मुझे सॉल्व हो गया, ठीक है, चीज़ों को ध्यान से समझना है। आगे चलो नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट में हम लोग को क्या बोल रहा है कि होलसेलर डीलर सोल्ड 30 पेंस एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, एकदम बहुत आसान सा सवाल है, देखो हर जगह इसे लगाना है ये तरीका को, ठीक है।
30 पेन है, 30 पेन को उसने बेचा कितना, 25% के प्रॉफिट पे। चाहो तो इसमें रेशियो भी कर दो, नहीं करो कोई दिक्कत नहीं। पहले मैंने बीरा रेशियो का बता देता हूँ, ठीक है। देखो 30 पेन था उसके पास, 25% के प्रॉफिट पे बेचा, यानी टोटल कितना हो गया हमारा 225 × 3 यानी कि 750, ठीक है। फिर हमारा क्या बोल रहा है, 10 पेन था उसे 15% के प्रॉफिट पे बेचा, यानी टोटल कितना हो जाएगा हमारा 150, ठीक है। तो टोटल 40 पेन पे हमारा कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, मैंने बोल दिया एक्स परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और इज इक्वल टू, यहाँ से ऐड कर दो 750 में 150 ऐड कर दोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। एक्स परसेंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 900 बटे में कितना 40, खत्म हो गया 4 से ये 22.5 बार में, यानी एक्स परसेंट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 22.5%, ठीक है। अब ध्यान समझो सवाल में आगे क्या दे रखा है, इफ ही हैड सोल्ड ऑल 40 पेन्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, सभी पेन्स को वो 20% के प्रॉफिट पे बेचता, तो सभी पेन को पहले वाले ये मैंने जो सॉल्व किया, सभी पेन के लिए पहले निकाला ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, ये हमारा क्या निकल गया, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, सभी पेन का। तो जब सभी पेन को 40 पेन को वो 20% के प्रॉफिट पे बेच दे रहा है, देन द प्रॉफिट वुड हैव बीन रिड्यूस्ड टू 70%। ध्यान रखो कि पहले वो टोटल प्रॉफिट उसका हो रहा था 22.5% का, ठीक है, अब उसे बेच दे रहा है 20% पे ही, ठीक है। तो उस तरीके से उसके प्रॉफिट में जो रिड्यूस आई है वो कितने की आई है, 70 रुपीज़ की आई है, यानी कि 2.5% की वैल्यू तुम्हें मालूम हो गई 70 रुपीज़ है, तो 100% यहाँ से निकाल दो। 100% कैसे निकालोगे, यहाँ पे साफ साफ तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ से 2.5 से जब तुम 100 पे आओगे तो गुना क्या करोगे, 40 गुना करोगे, तो इधर भी तुम 40 गुना कर दो, इधर भी तुम्हारा क्या हो गया 40 गुना, यानी 100% की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 70 × 40। अब ध्यान रखो ये 2.5% का जो डिक्रीज हुआ प्रॉफिट में वो कितने के पे बात करा था, 40 पेन पे, ये 100% जो निकला ये भी कितने पे निकला, 40, यानी 40 पेन का जो सीपी होगा वो होगा 70 गुना कितना 40। अब समझो ध्यान से पूछा क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन, हर एक पेन का कॉस्ट प्राइस क्या था, तो ईच पेन का जब तुम कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो ईच पेन का कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल सकते हो, 70 × 40 हमारा टोटल पेन का, और टोटल थी कितनी 40 पेन थी, 40 यहाँ से कट गया, यानी ईच पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो है हमारा 70 रुपीज़। अब ध्यान समझो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 70 है तो ये 70 आएगा, ठीक है, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है, ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन इज 50 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस जो है एक पेन का जो है हमारा, पेन का कितना है हमारा 50 रुपीज़ है, ठीक है, एंड डैट ऑफ नोटबुक इज 140 रुपीज़, नोटबुक का जो है वो कितना है 140 रुपये। इफ पेन इज सोल्ड एट 200 प्रॉफिट, ठीक है, 200% के प्रॉफिट पे, 200% का मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स उसको ज़्यादा बेचेगा, अब करते हो ना 20% का जब प्रॉफिट होता है तो उसे 120/100 लिखते हो, 200+ है तो 200% है तो उसको क्या लिखोगे, 300/100, यानी कि क्या हो जाएगा वो 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स ज़्यादा पे उसे बेचा जा रहा है, यानी कि ये सीपी अगर दिए हुए हैं तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 150, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट जो इसको हो रहा है वो कितने का प्रॉफिट हो रहा है हमारा, प्रॉफिट हो रहा है हमारा 100 का हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान समझो सवाल में क्या बोला है, देन टू परचेज 10 such notebooks, 10 notebooks खरीदने हैं, तो पहले निकाल लो 10 notebook खरीदने में उसे खर्च कितना लगेगा, 140 × 10 इतना रुपया उसको चाहिए, हाउ मेनी पेन्स आर रिक्वायर्ड टू सेल, ये इतना रुपया का सामान खरीदने में उसे कितनी पेनें बेचनी होंगी, इफ ओनली प्रॉफिट मनी इज यूज टू बाय नोटबुक्स, यदि सिर्फ प्रॉफिट जितना हो रहा है, प्रॉफिट से जो पैसा आया है उसी पैसे से हम नोटबुक खरीद सकते हैं, तो प्रॉफिट हमारा एक पे कितना हो रहा है, 100 हो रहा है, ठीक है। अब इस तरीके से हम लोग कितना पेन बेचेंगे कि हम लोग 1400 का सामान खरीद लें, एक्स पेन बेचेंगे, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालनी है 0000, यहाँ से खत्म हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी, यानी कि हम लोग 14 पेन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग का 10 notebooks खरीदा जाएगा, और इसी के साथ हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी 14, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोग का क्या बोल रहा है, ए ट्रेडर चीट्स बोथ हिज सप्लायर एंड कस्टमर, ठीक है, ट्रेडर बोथ सप्लायर और कस्टमर दोनों को चीट करता है बाय यूजिंग फॉल्टी वेट्स के यूज करके, ठीक है, व्हेन ही बाइज फ्रॉम द सप्लायर ही टेक्स 20% मोर देन द इंडिकेटेड वेट, 20% अधिक ले लेता है इंडिकेटेड वेट से, इफ द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सोल्ड किया जाता है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, मतलब जितना पे वो खरीदा था, दैट इज द चार्ज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द इंडिकेटेड वेट, ठीक है,
इज 20% लेस देन द इंडिकेटेड, मतलब क्या बोल रहा है कि जिस पे वो बेच रहा है वो क्या हो रहा है 20% कम तौल के बेच रहा है इंडिकेटेड वेट पे, लेकिन प्राइस जो ले रहा है वो क्या ले रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना ही ले रहा है। तो व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या है। देखो इस सवाल को ना बहुत शॉर्ट तरीका है बनाने का, लेकिन ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड सवाल जब आ जाते हैं ना तो वो तरीका ना फेल हो जाता है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ये वो बहुत सारी तरीके हैं। मैंने एकदम सिंपल साफ शब्दों भाषा में तुम्हें समझाता हूँ, और कहीं पर भी कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा सा भाषा को समझना है, ठीक है। देखो ध्यान रखो कि जब भी इस टाइप का सवाल आए ना, तो इनिशियली मान लो कि 1000 ग्राम का जो दाम था वो था हमारा कितना, 1000 रुपये, ठीक है। अब क्या बोला था, 20% जो है वो खरीदने के वक्त भी बेमानी करता है, खरीदने वक्त बेमानी क्या, कम नहीं ना तौलेगा, वहां पे ज्यादा तौलेगा, यानी क्या करेगा वो 1000 ग्राम के जगह 1200 ग्राम तौल देगा, लेकिन देगा कितना उसे, 1000 रुपया ही, ठीक है, क्योंकि उसे बताया नहीं है कि हम मैंने ज्यादा तौला है, वहां पे वो 1000 रुपया ही दे पे कर रहा है। फिर क्या था हमारा, 20% का वो घोटाला करता है यहाँ पे, 20% का खरीदने समय घोटाला मतलब क्या, इंक्रीज, और बेचने के समय घोटाला का मतलब क्या, डिक्रीज, यानी 20% का जब घोटाला करेगा तो वो 800 ग्राम का घोटाला करेगा, और 800 ग्राम का मान हमारा क्या है, बोल रहा है कि हम लोग किस पे चार्ज कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पे ही उसे बेच दे रहे हैं, ठीक है, इज सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे बेच दे, मतलब जितना रुपया में खरीदे थे उतना में ही बेच दे रहे हैं, यानी क्या हो जा रहा है, 1000 रुपये में ही बेच दे रहे हैं। तो जब 1000 रुपये में ही बेच दे रहे हैं तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, प्रॉफिट ये 800 ग्राम की वजह से हो रहा है, यहाँ पे हम लोग 1200 खरीदे थे और बेच रहे हैं 800, तो 400 ग्राम का तो प्रॉफिट हुआ ना, इसके अकॉर्डिंग मुझे प्रॉफिट निकालना। ध्यान से समझो कि जब भी क्वांटिटी वगैरह की बात की जाए तो क्वांटिटी वगैरह में हमें क्या करना होता है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्वांटिटी को बराबर करनी होती है। तो यहाँ पे 1200 है, यहाँ 800 है, एकदम आराम से इसको 8 से गुना कर दो, इसको 12 से गुना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इधर 8 से गुना करोगे तो इधर भी 8 से गुना कर देना, और इधर भी क्या कर देना, 12 से गुना। ये तुम्हारा सीपी है, ये तुम्हारा एसपी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब तुम प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो ऊपर प्रॉफिट और नीचे ये सारी चीजें तो कट जाएगी, तो ये 1000 का कोई मतलब अब नहीं रह गया। 4 से इसे, इसको भी सिंपलीएस्ट फॉर्म पे ले आओ एकदम, ठीक है। 4 से इसे काट दो 2 बार में, 4 से इसे काट दो 3 बार में। अब तुम्हारा सीपी हो गया 2, एसपी हो गया 3, प्रॉफिट हो गया जो तुम्हारा वो हो गया 1। परसेंटेज प्रॉफिट निकाल दो, परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट बटे में क्या, सीपी गुने में कितना, 100। साफ शब्दों में दिख गया यहाँ पे तुम्हारा 50%, कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं, सीधा सीधी आंसर हमारा डी नंबर ऑप्शन 50%। कोई भी सवाल आया ना इस टाइप का सवाल, जो क्वांटिटी से इतना परसेंट कम बेचा, इतना परसेंट ज़्यादा बेचा, आराम से इस सवाल को यही तरीका यूज़ करके बनाओ, चीज़ें बहुत आसानी से बनेंगी, एल्स बहुत सारे कैलकुलेशन या फिर कॉम्प्लिकेटेड वन में फंस के रह जाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ए बैंकर लेंड्स 200 रुपीज़, ये थोड़ा सा एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, ये प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया है, इसको भी देख लेना है। ए बैंकर लेंड्स 2000 रुपीज़ टू अ कस्टमर, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज एक्स परसेंट, सेकेंड ईयर इज एक्स प्लस 2, थर्ड ईयर इज एक्स प्लस 4 एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर, 5 साल का बात किया, यानी पहला साल एक्स परसेंट, दूसरा साल एक्स प्लस 2, तीसरा साल एक्स प्लस 4, फिर अगला x प्लस 6 और देन x प्लस में क्या 8, ठीक है, 5 साल का इंटरेस्ट हमारा निकल गया। इफ द टोटल इंटरेस्ट एक्योर्ड इज 1500, टोटल इंटरेस्ट जो एक्योर हुआ है वो 1500 है, तो लिया कितना था, 2000 लिया था, गुने में टोटल टाइम इंटू निकल गया, बटे में क्या कर देना है 100, और इस तरीके से कितना इंटरेस्ट हो रहा है 1500, ठीक है। अब यहीं से हमें x का वैल्यू निकालना है हमें, साफ साफ देखो यहाँ से 20 से ये डबल जीरो खत्म हो जाएगा, यहाँ 0 1 काट दो, यहाँ से 2 से इसे काट दो, यहाँ से कितना बार में कट जाएगा, 75 बार में, ठीक है। सॉल्व करना बेसिक को, x x x एंड x 5 बार x, यानी 5x, ठीक है। 2 और यहाँ से क्या जोड़ दो, 8 जोड़ दो, 10, 6 और 4 जोड़ दो, 10 10 10, कितना हो जाएगा हमारा 20, बराबर में कितना 75, ठीक है। 5x बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 55, 5 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो, x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 11, और यही हमसे पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर सी है हमारा आंसर 11, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में देखो क्या बोल रहा है, 2 मोबाइल फोन्स वेयर परचेस्ड एट द सेम प्राइस, सेम प्राइस पे 2 मोबाइल फोन परचेस किए जाते हैं, CP1 और CP2 से हम लोग इंडिकेट कर देते हैं। मान लिए 100x पे खरीदा गया था और यहाँ पे भी 100x पे खरीदा गया था, बोलोगे x क्यों ले लेते हैं सर, आगे बताता हूँ मैं। चलो अभी बिना x, अभी समझो इससे कि मैंने x नहीं लिया, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि CP में यहाँ पे मैंने बोल दिया CP1 जो है वो है हमारा 100 और CP2 जो है हमारा वो है हमारा 100, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम प्राइस पे खरीदा गया।
वन वर्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, तो SP1 क्या हो जाएगा, जब उसको 30% के प्रॉफिट पे बेच रहा है तो 30% का बेचने का मतलब क्या हो जाएगा, 130 रुपये पे बेच रहा है। एंड सेकेंड वॉज सोल्ड एट अ प्राइस विच वॉज 2500 लेस देन द प्राइस एट विच फर्स्ट वॉज सोल्ड। सेकेंड को जो बेच रहा है वो क्या बेच रहा है, पहले वाले से 2500 कम, तो 130 में तो हमको मालूम नहीं है कि 130 ओरिजिनल है कि नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जहां से मानना शुरू किए थे उसमें हर जगह क्या लगा देंगे, एक्स एक्स एंड एक्स, ठीक है। अब हमारा SP2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 130x माइनस में कितना हमारा 2500, ठीक है, क्योंकि सवाल में बोल रखा है कि जो सेकंड वाला का सेलिंग प्राइस है वो क्या है, 2500 कम है किससे, फर्स्ट जिस पे बेचा गया था उससे, ठीक है। बोल रहा है इफ द ओवरऑल प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग बोथ द मोबाइल फोन्स वाज 5%, जो ओवरऑल प्रॉफिट अर्न हुआ था वो कितना था, 5% था, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन मोबाइल, एक मोबाइल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा ये निकालना है। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट मतलब क्या, ओवरऑल SP और ओवरऑल CP की बात कर रही है, 100x कर ऐड करूंगा तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 200x, इसको 5% का प्रॉफिट यानी कि कितना, 105 बटे में क्या 100 इज इक्वल टू, जब SP ऐड करोगे तो 130x क्या देगा, 260x माइनस में कितना 2500, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करो, 00 00 खत्म हो गया, 105 गुना 2 करोगे तो 210 देगा, उधर ले जाके घटा देना है, यानी 2500 में हम लोग को क्या करना है, 260x माइनस में 210x, ठीक है, बराबर में जब घटाऊंगा तो ये क्या देगा मुझे, 50x, ठीक है। अब साफ साफ तुम्हें दिख रहा है, 50 से इसे काट दो, कितने बार में यहाँ से एक जीरो खत्म हो जाएगा, 50 से कितने बार में कटेगा, 50 बार में, x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। अब हमसे सवाल में पूछा क्या है, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन मोबाइल, एक मोबाइल का कॉस्ट प्राइस क्या था, एक मोबाइल का किसी भी एक मोबाइल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100x है, 100x यानी कि 100 इंटू कितना 50, और इसी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कितना मिलेगा, यहाँ से 5000 मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, बोल रहा है ए सम ऑफ 13200 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, 13200 जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसमें, रोहित कौशल और केशव में, ठीक है, किसमें किसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, रोहित है, ठीक है, फिर कौन है, राहुल है, और फिर कौन है, केशव है, किस रेशियो में, 1/3 रेशियो 1/2 रेशियो 1/1, ठीक है। जब इसे हम लोग एक रेशियो में लेके कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से ये हमें देगा 2:3:6, ठीक है, यानी कि ये ओरिजिनल था हमारा जिसमें हमें बांटना है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, बट मिस्टेकली इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 3:2:1, मिस्टेक से वो किस रेशियो में बटा गया, यानी कि मिस्टेक जब हुआ तो रेशियो क्या हो गया, 3:2:1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ से आगे जो पूछ रहा है वो बाद में देखेंगे, ठीक है, पहले यहाँ से एक रेशियो बैलेंस कर लो कि जो पैसा बटा था वो पैसा सेम बटा था, ठीक है, लेकिन रेशियो उलट पुलट हो गया था। यहाँ से जब ऐड करोगे 6:3 कितना हो जाएगा हमारा, 9, ठीक है, 9:2 कितना हो जाएगा, 11, यानी कि ये हमें देगा 11, यहाँ पे ऐड करोगे 3:5:1 कितना, 6, यहाँ पे 11 रुपये बट रहा है, यहाँ पे 6 रुपये बट रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो हमें सबसे पहले इसे बैलेंस करना है, इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 11 से मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा ओरिजिनल वाला जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 6 × 12, फिर यहाँ पे हमारा 6:3:18 और 6:6 हमारा कितना, 36, ठीक है। फिर यहाँ न्यू मिस्टेक वाला जो रेशियो है वो मिस्टेक वाला रेशियो निकाल दोगे, 11:3:33, 11:2:22, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 11। अब सवाल को समझो कि सवाल में पूछा क्या है, ठीक है, बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ रोहित एंड लॉस ऑफ केशव, ठीक है, ये था हमारा रोहित, ये था हमारा राहुल, और ये था केशव, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ रोहित, रोहित का प्रॉफिट, ठीक है, तो ओल्ड में उसको 12 रुपये मिल रहा था, अब 33 रुपये हो गए, यानी कि साफ शब्दों में वहाँ पे उसके क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है, ठीक है, कितनी की प्रॉफिट हो रही है, घटा दो यहाँ से, जब तुम देखोगे 33 में 12 घटा दोगे तो कितनी की प्रॉफिट हो रही है, 21 रुपये की प्रॉफिट हो रही है उसे, ठीक है।
अब यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले ही निकाल लो 18 से यहाँ पे राहुल का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 18 से 22 बढ़ रहा है, यानी क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन केशव को जो है वो लॉस लग रहा है। केशव को क्यों लॉस लग रहा है, क्योंकि उसको पहले 36 मिलता था, अब मिल रहा है 11, यानी उसे कितने का लॉस हो रहा है, ₹25 का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल में देखो क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ रोहित एंड लॉस ऑफ केशव, रोहित का प्रॉफिट और केशव का लॉस का जो अंतर है, ठीक है। तो रोहित का प्रॉफिट 21 है और यहाँ पे केशव का लॉस कितना है, 25। 25 और 21 का जो अंतर होगा हमारा, वो कितने का अंतर होगा, 4 का होगा, ठीक है। इज अप्रॉक्सीमेटली वाट परसेंटेज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ राहुल, ठीक है, कितना परसेंट है, अब किसका निकालना है, कितना परसेंट डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ राहुल जो कि कितना है, 4, एंड लॉस ऑफ केशव, यानी कितना है, 25। 25 और 4 का मुझे अंतर निकालना है, तो 25 और 4 का अंतर हमें कितना हो जाएगा, 21, और इसी का कितना परसेंट है ये भी निकालना है, यानी 4 जो है 21 का कितना परसेंट है ये निकालना है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400 बटे में कितना, 21। जब आप इसे सॉल्व करोगे साफ साफ दिख रहा है, 4 से 21 से जब ये कटेगा तो ये एक ही बार में कटेगा, दो बार जाने का, दो ही ऑप्शन हमारे पास बच रहे हैं, एक 11 एक 19। जब 21 से काटेंगे तो एक बार में यहाँ पे लग जाएगा, और डेफिनेटली हमारा कितना बच रहा है 21 से काटने के बाद, 19। 19 यानी कि 190 हमारा रिमेनिंग बच रहा है, तो 190 एक बार में तो जाएगा नहीं, यानी 19% के लगभग में ही जाएगा। अब वही एक हमारा बचा है, यानी इससे जब सॉल्व करोगे तो ये 19% के अप्रॉक्स में हमारा देगा, और यही हमारा क्या है, आंसर है 19%, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये थी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की पहली सीरीज जो 1 से लेकर 10 तक थी, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग देखेंगे कि कौन सा टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है। होप आप लोगों को ये मजा आया होगा इसे देखने में, इसे समझने में। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, एंड इसे शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सको इसे अपने दोस्तों को बताना, भाई वगैरह जो भी हैं, और लाइक वगैरह सब कुछ करना, ठीक है। चलो।